नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। कांग्रेस का पतन लग रहा है निश्चित है, यानी कांग्रेस अब शायद उठ नहीं पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के कई कर्णधार कभी कभी ऐसी हरकतें कर देते हैं जो बहुत ही शर्मनाक है और जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। एक समय पे मुट्ठी भर सी आम आदमी पार्टी, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपारी जितनी बड़ी पार्टी कहा था, सचमुच उस पार्टी का कोई ज्यादा वजूद नहीं है और उसके वैसे भी बुरे दिन चल रहे हैं। इतने आरोपों से घिरी हुई पार्टी है। ऐसे में राजनेताओं का एक कर्तव्य होता है या शुरू से एक चलता आ रहा है कि जिस भी आदमी पे आरोप लगे हों उस आदमी से दूरी बना ली जाती है राजनीति के अंदर, चाहे वो कितना भी खासम खास क्यों ना हो। कांग्रेस ने सुरेश कलमाड़ी से इसी तरीके की दूरी बनाई थी, जो सुरेश कलमाड़ी एक समय पे राष्ट्रमंडल खेलों को इंडिया में लेके आया था। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका भ्रष्टाचार में नाम आ जाए या जिनमें दूसरे तरीके के कुछ आरोप लग जाए तो उनसे पार्टी अपना पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन आज की कांग्रेस शायद बदली बदली है, ना समझ है, बुद्धिहीन है, बालक है, क्या है उसमें समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है वो राहुल गांधी की बुद्धि से ही चल रही है, तो पार्टी राहुल गांधी जैसी ही बुद्धि के साथ वो अपने वैसे ही कृत्य सामने लाती रहती है। आज राज्यसभा, आज संसद के अंदर, संसद का आज नई संसद भवन के अंदर पहला दिन था आज सदन का। वहां पर आज जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने जिस तरीके की हरकत की पार्टी के अंदर, नहीं अपितु पूरे देश के अंदर, इससे शर्मिंदगी महसूस हुई। शर्मिंदगी इसलिए कि आज जिस तरीके से मल्लिका अर्जुन खड़गे का बर्ताव था वो बेहद अशोभनीय था। यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत बैलेंस्ड भाषण उन्होंने अपना सदन के अंदर दिया, कई अन्य लोग बहुत ही बैलेंस्ड बोले, सिर्फ एक पीयूष गोयल को छोड़ के, पीयूष गोयल ने जिस तरीके से इंटरप्रेट करके और जिस तरीके से उन्होंने बीच में बोला और कटाक्ष करने की कोशिश की, वो सचमुच बहुत अशोभनीय था और सचमुच पीयूष गोयल जैसे आदमी को शोभा नहीं देता कि उन्हें इस तरीके की भाषा या इस तरीके की बात बोलनी चाहिए थी। लेकिन कोई नहीं, उससे ज्यादा बुरा हाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। खड़गे दरअसल संसद के अंदर बहुत अच्छा बोल रहे थे, खड़गे ने एक एक चीजें बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत की और बहुत सारे कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी पर और नरेंद्र मोदी की सरकार पर किए, और उन्होंने हंसते हंसते बहुत सारी बातें की। सभापति धनखड़ जी भी, धनखड़ जी भी बहुत खुशनुमा मूड में थे, उन्होंने बल्कि 10 मिनट तक फालतू बोलने दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में बात कुछ और कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने भाषण को बीच में ही रोकते हुए, विराम देते हुए अचानक बोलना शुरू कर दिया कि धनखड़ साहब से उन्होंने कहा, सभापति महोदय बहुत अच्छा होगा कि आप जो है, जो सदन से निलंबित आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा को अगर आप सदन में बुला लें। ये क्या था, क्यों बुला लें राघव चड्ढा को सदन के अंदर, क्यों बुला लें संजय सिंह को सदन के अंदर। जो आदमी अपने कुकृत्यों के कारण, अपने किए हुए कुकर्मों के कारण राज्य सदन से निलंबित किए गए, जिन पर जांच चल रही है सदन के अंदर, जिन्होंने अमर्यादित तरीके की जो घटनाएं हैं वो अंजाम दी सदन के अंदर, जिन्होंने सदन की इज्जत नहीं की, जिन्होंने सदन की इज्जत को तार तार किया, उनको बुलाने का क्या मतलब था। और फिर कांग्रेस अध्यक्ष जैसा, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा आदमी ये बात बोल रहा है, ये सबसे शर्मनाक था। ये इसका कोई सानी नहीं था, इसके कोई जवाब नहीं था किसी भी पार्टी के पास। आखिर उनको ये ऐसा करने के लिए किसने कहा था, कौन है संजय सिंह,
कौन है राघव चड्ढा, कौन है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा समय तक उसने देश के अंदर राज किया, उस पार्टी का अध्यक्ष उन लोगों की सिफारिश कर रहा है जिन्होंने सदन के अंदर बहुत ही मर्यादित घटना को अंजाम दिया। ये सचमुच बहुत शर्मनाक था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। संजय सिंह को, संजय सिंह के कुकृत्य पर भी और राघव चड्ढा के कुकृत्य पर भी जांच चल रही है। ये जांच अभी खत्म नहीं हुई है, इसमें उन्होंने माफी भी नहीं मांगी थी अपनी गलतियों के लिए, और वो बाकायदा अपने अपने जो उन्होंने जो घटना उन्होंने की थी उस पर अड़े रहे। ऐसे आदमी को सदन के अंदर बुलाने, दिल बड़ा करने और उनको माफ कर देने का जो सिफारिश कर रहे थे वो थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी देश में 60 साल तक राज करके गई थी। वो एक ऐसे आरोपियों को सदन के अंदर बुलाने की कोशिश कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो अक्षम्य था, ऐसे आरोपी थे। तो आखिर ये इशारा किसने किया उनको कि इन दोनों को सदन के अंदर बुलाने के लिए रिक्वेस्ट किया जाए सभापति से? ये बहुत शर्मनाक था, आज कांग्रेस के लिए भी बहुत शर्मनाक था, इसलिए भी कांग्रेस के लिए शर्मनाक था क्योंकि कांग्रेस को बार बार थूक कर चाटने की आदत पड़ चुकी है। कांग्रेस अब कहीं पर भी जो जो छोटी मोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, कांग्रेस आजकल उन क्षेत्रीय पार्टियों जैसा व्यवहार कर रही है लगातार। ये देश के लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास शायद अब आत्मसम्मान नाम की कोई चीज बची नहीं है। ये वही आम आदमी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने दिल्ली से कांग्रेस का सफाया कर दिया, ये वही आम आदमी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने पंजाब से कांग्रेस का सफाया कर दिया। और इतना नहीं, कांग्रेस के नेताओं पर लगातार कीचड़ उछाली गई। याद कीजिए शीला दीक्षित, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जिसने दिल्ली के अंदर बहुत सारा काम किया, जो निर्माण के लिए पहचानी जाती थी, उस शीला दीक्षित पर इसी आम आदमी पार्टी ने इतने आरोप लगाए कि शीला दीक्षित लास्ट में वो हार गई। और उसके बाद से आज तक दिल्ली के अंदर पिछले 9 सालों से एक ईंट नहीं लगी, एक काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। और दिल्ली इतनी शर्मनाक स्थिति में पहुंच चुकी है, अगर लुटियन जॉन्स को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली के अंदर बहुत बुरी स्थिति है। और अभी तक वही इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जा रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कभी शीला दीक्षित की सरकार के टाइम पर तैयार किया गया था दिल्ली के अंदर। इसके अलावा कुछ नहीं बनाया केजरीवाल ने। भिखारियों की भीड़ है सड़कों पर, अस्पतालों का बुरा हाल है, स्कूलों का बुरा हाल है, घोटालों के बादशाह हैं ये लोग, इतने घोटाले इन पर, इतनी सीबीआई जांच, इतनी ईडी की जांच चल रही है, हर मामले में आरोपी है। इसके बावजूद ऐसे लोगों के लिए अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सिफारिश करते हैं उनको बुलाने की, तो ये बेहद शर्मनाक है उन लोगों के लिए जो कांग्रेस को कभी वोट दिया करते थे। ये सचमुच बहुत शर्मनाक है, ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि इस तरीके के लोगों को जितना आप मुंह लगाओगे या उनसे दूरी नहीं बनाओगे तो आपके पास जो बचा हुआ है वो भी सब लूट जाएगा, उसको भी ये लूट के ले जाएंगे एक ना एक दिन। तो ये जो आज जो कुकृत्य हुआ ये बहुत शर्मनाक था। हम आपको ये भी बताते चलते हैं साथ में के संजय सिंह ने पिछले सत्र के अंदर सभापति के ऊपर पेपर फाड़ कर फेंके थे और इसलिए उनको, इनके आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिनमें से पंजाब का एक सांसद थे, एक संजय सिंह थे और राघव चड्ढा ने तो और ज्यादा शर्मनाक काम किया। राघव चड्ढा ने कई बीजेपी के भाजपा सांसदों के फर्जी सिग्नेचर कर दिए, दस्तखत कर दिए। ये जो मामला था ये सदन के अंदर ही पकड़ा गया था और बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की थी और सभापति से उस टाइम पर गुजारिश की थी कि आप कृपया करके इस पर कार्रवाई करें क्योंकि ये सदन के अंदर बहुत घोर निंदनीय अपराध है और ये सचमुच अपने आप में बीते 60 सालों के अंदर ये पहली बार सदन के अंदर हुआ है कि एक राज्यसभा के सांसद ने खुद ही फर्जी सिग्नेचर मार दिए, फर्जी सिग्नेचर, समझिए आप। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर
जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले नेताओं को, हड़दंग मचाने वाले नेताओं को सदन में, और तरह तरह के किसी के भी ऊपर आरोप लगा देने वाले नेताओं को, ऐसे लोगों को सदन के अंदर अगर आने नहीं दिया जाता है तो ये देश के लिए बड़े गर्व की बात है। ऐसे लोगों को बाहर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शर्मनाक हरकत करने से कभी भी बाज नहीं आ सकते। और अगर उन ऐसे नेताओं की सिफारिश कांग्रेस का कोई अध्यक्ष करता है तो ये उससे भी बड़ी शर्मनाक बात है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं करनी चाहिए थी। खैर, ये जो भी हो, जनता देखती है, जनता जानती है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके का आचरण कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े मंदिर के अंदर, सर्वोच्च जो अदालत है उसके अंदर अगर आप इस तरीके की हरकतें करते हैं तो सचमुच देश इससे शर्मिंदा होता है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।